कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर लग्जरी रेल मोटर कार का संचालन शुरू करने की तैयारी है। अंबाला मंडल ने मुख्यालय से रेल मोटर कार का संचालन शुरू करने की मंजूरी मांगी है। इसी हफ्ते मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रेलवे अंबाला मंडल की ओर से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। कालका और शिमला के बीच 14 सीटर रेल मोटर कार चलाने की योजना है। ये गाड़ी 4 घंटे में कालका और शिमला के बीच की दूरी तय करेगी, जबकि अन्य गाड़ियों में ये सफर करीब 5 घंटों में तय होता है। रेल मोटर कार एक ही दिन में कालका से शिमला और शिमला से कालका के लिए आवाजाही करेगी। प्रस्तावित टाइम टेबल के अनुसार कालका से शिमला के लिए सुबह 5:25 पर रेल मोटर कार रवाना होगी और 9:25 पर शिमला पहुंचेगी। उसी दिन शाम को 5:25 पर शिमला से गाड़ी कालका के लिए रवाना होगी और 9:35 में कालका पहुंचेगी। रेल मोटर कार की यह खूबी है कि इसमें एक ही कोच है और उसी में इंजन लगा है, अर्थात ट्रेन एक बस की तरह ट्रैक पर चलती है। यात्री चाहे तो एक ग्रुप के लिए इसकी चार्टर्ड बुकिंग भी करवा सकते हैं। लग्जरी रेल मोटर कार विस्ता डोम कोच की तरह दिखती है। इसमें चाय कॉफी की मशीनें लगी है और LED की भी व्यवस्था है। ट्रेन में सफर के दौरान LED पर पर्यटक बाहर की हसीन वादियों का नजारा देख सकेंगे। रात के समय बाहर के नज़ारे LED पर देखने के लिए मोटर कार के बाहर 2 हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। मोटर कार में वेस्टर्न शौचालय और वॉश बेसिन लगा है। AC और CCTV कैमरे भी लगे हैं। खिड़कियों में बड़े शीशे हैं ताकि पर्यटक बाहरी नज़ारों को आसानी से देख सके। विस्टा डोम की तरह रेल मोटर कार की छत भी पारदर्शी है। कालका शिमला ट्रैक पर चल रही शेड्यूल ट्रेनें इन दिनों पैक चल रही हैं और कालका शिमला विस्टा डोम स्पेशल में बुकिंग के लिए लोगों में बहुत उत्सुकता भी है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।